एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट के मर्टन को अगर आपको रॉबर्ट के मर्टन के टॉपिक्स इन डिटेल देखने हैं तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है नितिन सांगवान सर की उसमें जाके आप इन डिटेल टॉपिक्स देख सकते हैं यहाँ पे भी हम इनके जो जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे ठीक है इन्होंने फोकस किया मिडिल रेंज थेरी पे देखो फंक्शनलिस्ट थे ये तो फंक्शनलिस्ट के साथ आपने अभी तक क्या देखा होगा यूजली ये ग्रैंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते थे

टेस्टेबल होनी चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर पाओ ठीक है मीन्स आपको ऐसी बातें नहीं करनी कि आप एक छोटे से ट्राइब को स्टडी करो जैसे इन्होंने रेड ब्राउन का और मेलनास्की का एक क्रिटिसिज्म भी दिया था कि उन्होंने एक ट्राइब्स को स्टडी किया और बाद में उसी थेरीज़ को जनरलाइज किया जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए बात सही थी वो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के लिए आप वो बात अभी नहीं बोल सकते हो दैट मीन्स उस स्टडी को आप आज की सोसाइटी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप उसको टेस्ट कर पाने चाहिए ठीक है उस थ्योरी को वो थ्योरी एम्पेरिकल होनी चाहिए और जो थ्योरी है आपको उसका जो हाइपोथेसिस बनाना होगा वो हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए और जो आपका सेट ऑफ आप सैंपल सेट लेंगे टेस्ट करने के लिए अपनी थियरीज को वो सैम्पल सेट भी लिमिटेड होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से टेस्ट कर पाए तो ऐसी सारी बातें इन्होंने मिडिल रेंज थियरीज में कही थी कि आपको मिडिल रेंज पे फोकस करना है ना कि ग्रैंड चीजों पे ठीक है तो इनको न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है न्यू फंक्शनलिस्ट इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फंक्शनलिज्म में कुछ ऐड किया पहले हम इसको इरेज कर देते हैं न्यू फंक्शनलिस्ट को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो फंक्शनलिज्म के बेसिक पॉस्टुलेट्स थे जो अभी तक सारे फंक्शनलिस्ट जिस चीज पे फोकस करते थे उसमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन की वो क्या मॉडिफिकेशन थी वो हम देखते हैं इनके पोस्टुलेट्स uh, पॉस्टुलेट्स में न्यू फंक्शनलिस्ट हो गए इसीलिए इनको न्यू फंक्शनलिस्ट बोला जाता था क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई किया था फंक्शनलिज्म को एम्पेरिकल रियलिटी पे फोकस करते थे मॉडिफाइड थ्री पॉस्टलेट्स ऑफ फंक्शनलिज्म जिसकी वजह से इनको न्यू फंक्शनलिस्ट जो है वो बोला जाता था अब वो कौन से पॉस्टुलेट्स थे पॉस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनल यूनिटी पहला दूसरा है आपका पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडस्पेंसिबिलिटी थर्ड वन इज योर पॉस्टुलेट ऑफ फोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म ठीक है इस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं पहला है आपका पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी फंक्शनल यूनिटी ठीक है देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कोई भी सोशल आइटम अगर होगा हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे कोई भी अगर आपका सोशल आइटम होगा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे जिन चीजों से जिन पार्ट से वो सोशल आइटम बना होगा उनमें वो सारे जो चीजें हैं वो फंक्शनल होने चाहिए आपस में उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तभी क्या होगा जो ओवरऑल उस सोशल आइटम की फंक्शनैलिटी है वो मेनटेन रहेगी ठीक है अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ बताएं एक कोई भी सोशल ले आइटम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजन ठीक है अब के पार्ट क्या होते हैं में क्या क्या चीजें आती हैं आपका प्रीस्ट होता है चर्च है ठीक है ये हम जनरल ले रहे हैं आप अलग अलग रिलीजन का अलग देख सकते हैं पंडित है मौलवी है चर्च टेम्पल मॉस्क वगैरह एंड कोई आपकी रिलीजियस बुक होगी ठीक है और कोई फॉलोअर्स होंगे जो आपको फॉलो करेंगे फाइन कोई ट्रेडिशन बिलीफ वगैरह होंगे रिलीजन के तो काफी सारे कॉन्स्टिटेंट यूनिट्स होते हैं फंक्शनल यूनिटी का क्या कहना है कि ये जो कॉन्स्टिटेंट यूनिट्स हैं ये आपस में इनके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए यूनिटी होती है उस यूनिटी से ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है सोशल आइटम की वो मेनटेन रहती है फंक्शनैलिटी ऑफ रिलीजन क्या रहेगी मेंटेन ठीक है लेकिन इसको इन्होंने मॉडिफाई किया ठीक है इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा रिलीजन में कुछ डिसफंक्शनल आस्पेक्ट्स भी होते हैं ऐसा नहीं है सारे कॉन्सिटेंट यूनिट्स आपस में एक यूनिटी जो है वो मेन्टेन रखेंगे रिलीजन में आपको डिसफंक्शनल आस्पेक्ट्स भी मिलेंगे नॉन फंक्शनल आस्पेक्ट्स भी मिलेंगे ठीक है जैसे इन्होंने कहा जहां हम रिलीजन की बातें करते हैं तो हमें ये भी देखना है रिलीजन के अंदर राइट्स भी होते हैं जो इसका एक नेगेटिव आस्पेक्ट है तो हर कॉन्सिस्टेंट यूनिट जो है वो एक यूनिटी मेंटेन रखने में हेल्प करेगा ऐसा जरूरी नहीं है तो ये इन्होंने मॉडिफाई किया पहले पॉस्टुलेट को जो कहता है आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी ठीक है अब हम दूसरा देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इन फंक्शनल स्पेलिंग चेक कर लेना एक बारी ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी में कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनडिसबल होते हैं जो परफॉर्म करने काफी इंपॉर्टेंट हैं उसके बगैर सोसाइटी जो है सर्वाइव नहीं करेगी और उनके लिए कुछ इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडेस्पेंसिबल मीन जो खत्म ना हो सके जो चीज ठीक है अगर आप रिकॉल करो पार्सन ने आपको क्या कहा था सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कुछ फंक्शनल प्री होते हैं जो आपको परफॉर्म करने ही करने होते हैं जिसको उन्होंने अपने एजल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था तो यही बात यहाँ पे मर्टन यही बात उन्होंने पॉइंट आउट की थी मर्टन ने कि फंक्शनल कुछ बोला गया है कुछ फंक्शन जो है वो फंक्शनल functional, वो फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल है वो जरूरी मेंटेन करने हैं सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए और उसके लिए आपके पास कुछ इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं फाइन जो चीज़ें परफॉर्म करती हैं वो फंक्शन फॉर एग्जाम्पल पार्सल ने हमें कहा था दो टाइप की सोशलाइजेशन होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन

ठीक है लेकिन मर्टन ने इस चीज़ को मॉडिफाई किया मर्टन ने कहा ऐसा नहीं है कि फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल होंगे और उनके लिए हमें इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन चाहिए क्योंकि पहले बोला जाता था जो रोल फैमिली ही कर सकती है और इसके लिए कोई और इंस्टीट्यूशन प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं कर सकता आज बच्चों को छोटी उम्र से ही क्रैच भेजा जाता है ठीक है तो वहां पे बच्चों की क्या हो रही है प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है दैट मींस फंक्शनली इंडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा फैमिली ठीक है सेकेंडली एडल्ट स्टेबलाइजेशन आप बोलोगे पेयर ग्रुप करता है आपका दूसरी फैमिली करती है ठीक है जनरलाइज अदर जिसको बोला जाता है वो मीड के टर्म में हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है वो आपकी एडल्ट uh, स्टेबलाइजेशन करते हैं या सेकेंडरी सोशलाइजेशन मर्टन अगर हम एग्जाम्पल लें ये मर्टन ने नहीं नहीं मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आज आप बोल सकते हो आपकी थ्रू लॉ भी होती है थ्रू गवर्नमेंट भी होती है दैट मीन जिन चीजों को पहले इंडिस्पेंसिबल समझा जाता था वो क्या हो गई वो चीजें वो चीजें अब रिप्लेस हो गई तो इसको इसने मर्टन ने कहा था फंक्शनल ऑल्टरनेटिव कि एक चीज को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं ऐसा नहीं अगर फैमिली है तो वो रिप्लेसेबल है प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन आजकल जैसे आपकी क्रच में हो रही है ठीक है तो आपके पास फंक्शनल ऑल्टरनेटिव है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ठीक है अब आपको रिलाई नहीं करना पड़ेगा एक ही इंस्टीट्यूशन पे किसी एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो चलते हैं हम अपने तीसरे पॉस्टुलेट की तरफ विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ दुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म ठीक है तो एक्सप्लेन करते हैं थर्ड वन इज यूनिवर्सल पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म इसका क्या कहना था कि जो भी सोसाइटी की चीज़ है वो यूनिवर्सली फंक्शनल है दैट मीन्स वो हर जगह आपकी फंक्शनल रहेगी अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन हमेशा फंक्शनल रहेगा सोसाइटी के लिए ठीक है लेकिन मर्टन ने इस चीज को मॉडिफाई किया मर्टन ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा स्टडी करना होगा विल हैव टू टेक अकाउंट द सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसको एग्जाम्पल uh, के साथ आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एनकाउंटर चल रहा है ठीक है और पुलिस वहां पर फायरिंग कर रही है ठीक तो ये चीज जस्टिफाइड है फाइन पुलिस फायरिंग यहाँ पे आपको फंक्शनल देखोगे लेकिन अगर पुलिस फायरिंग पब्लिक प्लेस पे करना शुरू हो जाए तो उस चीज में ये क्या होगा ये चीज़ फंक्शन नहीं होगी डिस्फंक्शन होगी सोसाइटी के लिए तो उन्होंने कहा कि हमें एम्पेरिकल रियालिटी पे ध्यान देना होगा और उनको उन्होंने आर्म चेयर स्कॉलर्स कहा था जिनने हर चीज को बस फंक्शन बोला है और वो चीज़ जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिकल नहीं है ये हो गया आपके तीन पॉस्टिलेट्स आई होप इट्स क्लियर नाउ

मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट ठीक है तो इसीलिए बोला जाता है उन्होंने अपना फंक्शन पैराडाइम दिया फंक्शन एनालिसिस का ये हो गई ये तीन हाँ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन देखो ये क्या होता है मैनिफेस्ट फंक्शन होता है जो आप काम करना चाहते हो ठीक है जो आपका बेसिक गोल होता है करने का वो आप मैनिफेस्ट करते हो ठीक है वो चीज दिखती है लेकिन लेटेंट होता है जो उस फंक्शन का एक अनिक्वेंस होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने होपी ट्राइब का रेन डांस उसकी एग्जाम्पल दी थी ये एक आ, होपी ट्राइब थी ठीक है ये क्या करते थे रेन डांस परफॉर्म करते थे ताकि बारिश हो जाए रेन गॉड को अपीज करने के लिए तो ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन था रेन डांस करना किस लिए करते हैं ताकि बारिश हो जाए रेन गॉड को अपीज करने के लिए तो अपीज रेन गॉड लेकिन इसका साथ साथ एक मैनिफेस्ट लेटेंट फंक्शन भी चला इससे क्या होता था जब भी वो सेरेमनी परफॉर्म करते थे तो वो जो ट्राइब है उनके बीच में ऐसे क्या हो गया सॉलिडारिटी और यूनिटी बढ़ गई सॉलिडारिटी यूनिटी स्ट्रेंथन हो गई उनकी ठीक है तो ये इसका क्या था एक लेटेंट कॉन्सिक्वेंस था फाइन मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था इसका कि वो डांस करते थे अपीज़ करने के लिए गॉड को और लेटेंट था उससे उनकी सॉलिडारिटी इंक्रीज हो गई लेटेंट होता है जो आपने नहीं चाहा होता है पर वो चीज़ उसके साथ एसोसिएट हो गई होती है अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ठीक है जैसे इसकी और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो वेस्टर्न में उन्हें क्या किया वो स्लेव्स मंगाते थे जो वेस्ट के लोग थे सेकेंड एग्जाम्पल वो स्लेव्स मंगवाते थे अफ्रीकन नेशन से ठीक है अपनी प्लांटेशन वगैरह पे उनको काम कराने के लिए तो बेसिक क्या था वो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ के लिए मंगवाते थे तो अगर आप मैनिफेस्ट देखो उसका क्या था इकोनॉमिक लेकिन इसका एक लेटेंट फंक्शन क्या हो गया लेटेंट चीज क्या हो गई इससे क्योंकि वो जो अफ्रीकन थे वो ब्लैक्स थे तो एक क्लास जो है या आप बोलोगे रेसिज्म का वो नोशन जो था वो स्टार्ट हो गया क्योंकि आपके पास एक ह्यूज क्लास आ गई ब्लैक्स की जो किसके इंफीरियर बन गए जो वहां के रेस थे वहां के नेटिव थे वाइट ठीक है तो ये इसका एक लेटेंट फंक्शन था आई होप इट्स क्लियर नाउ मिडिल रेस से हो गया आपका देन यू हैव कन्फर्मिटी एंड डिवियंस देखो कन्फर्मिटी क्या होता है एंड डिवियंस जब आप नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो करते हो सोसाइटी के दैट मीन यू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज आप क्या हो आप uh, वो आप कन्फर्मिटी बोलते हो उस प्रोसेस को एंड डिवियंस होता है जब आप नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो नहीं करते हो आप जो एक एक्सेप्टेड uh, एक गिवन पाथ है सोसाइटी का उससे थोड़ा हट जाते हो उसे डिविएट करते हो उसको हम बोलते हैं डिवियंस अब ये जो डिवियंस है हाँ ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ ऐसे बता देती हूँ ये जो डिवियंस है ये पॉजिटिवली भी आप उसको सेंक्शन कर सकते हो पॉजिटिवली सेंक्शन ठीक है और आप इसको नेगेटिवली भी सेंशन कर सकते हो नेगेटिव सेंशन मीनस आप इसको पनिश करोगे नेगेटिव नेगेटिव सैक्शन के पनिश कैसे आप पनिश करते हो जैसे क्रिमिनल्स वगैरह को आप पनिश करोगे ठीक है तो वो किस फॉर्म में आती है नेगेटिव सेंक्शन करना है इसको पनिशमेंट के फॉर्म में पॉजिटिव सैक्शन में आप क्या करते हो आप रिवॉर्ड्स देते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किसकी एग्जांपल ली साइंटिस्ट की तो साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च करते हैं उनका एक तरीका होता है वो पूरा पूरा दिन लैब्स में बैठे होते हैं उनके एक बाल थोड़े एक तरीके के बने होते हैं उनको खुद को ग्रूम करने का टाइम नहीं मिलता है तो वो काइंड ऑफ डिवियट है जो एसोसिएटेड जो सजेस्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं सोसाइटी के उससे थोड़ा डिवेट करते हैं लेकिन वो फॉर द लार्जर गुड कॉज होता है ठीक है वो कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उससे उनको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है उनको रिकोगशन नेम फेम प्राइज नोबेल प्राइज ये सारी चीजें मिलती हैं ठीक है ये था कन्फर्मिटी एंड डिवेंस का अब मर्टन ने हमें और एक कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रेन थियरी का देखो स्ट्रेन थ्योरी इन्होंने क्या कही वेट कहा गए हम देखो में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था था इन्होंने बेसिकली सोसाइटी में क्या होते हैं कुछ कल्चरली डिफाइंड गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रक्चरल मीन्स होते हैं सोसाइटी के फाइन फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या यूजीएस यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो तो या तो आपको आई ऑफिसर बनना है या आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है फाइन और उसके लिए मीन्स है आप कोई बुक्स फॉलो करनी है आपको एक सिलेबस के अंदर कन्फाइंड रहना है आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ठीक है ऐसा तो नहीं है ना एक आ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप क्या करोगे आप तो नहीं दोगे ना किसी को ठीक है तो एक स्ट्रक्चुरल मीन्स है जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उस गोल को अचीव करने के लिए अगर जो सोसाइटी ने गोल्स बनाए हैं और मीन्स इनके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए ट मीन्स आप ये अचीव नहीं कर पाओ ठीक है गोल्स कुछ है लेकिन मीन्स उतने नहीं वैसे नहीं है कि आप वो गो, गोल्स अचीव कर पाओ मीन्स आपको हिंडर कर रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको ये जो दो चीजें हैं गोल्स और मीन्स ये साथ साथ नहीं चल रही हैं तो इस एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी सोसाइटी में उसकी वजह से क्या हो जाता है सोसाइटी में अनोमी आ जाती है इन्होंने भी अनोमी की बात की इनका अनोमी का डेफिनेशन यही था जब एक डिस्क्रिपेंसी हो जाए कल्चरली डिफाइंड गोल्स में और स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स टू अचीव दो गोल्स उनके बीच में अगर एक डिस्क्रिपेंसी हो जाए दैट मीन्स आप फॉलो नहीं कर पाओ प्रॉपरली अगर आप गोल्स पे ध्यान दो मीन्स नहीं मिलेंगे अगर मीन्स पे ध्यान दो गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे ठीक है तो एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम अनॉमी बोलते हैं इस अनॉमी को अलग अलग थिंकर्स ने हमने दुर्खेम में भी अनोमी पढ़ा उन्होंने इसको नॉर्मलेसनेस और पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेट किया था ठीक है वो दर्खेम वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया तो ये इन्होंने अनॉमी कहा और जो डिवियंस है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर अनॉमी तो ये चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की थी अपनी स्ट्रेन थियरी में कि एक स्ट्रेन सा आ जाता है सोसाइटी में जब वो गोल्स और आप सही से अचीव नहीं कर पाओ ठीक है ये हो गया ये इन्होंने बेसिकली अमेरिकन ड्रीम को लेके बोला था इन्होंने अमेरिकन ड्रीम यूज किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब वो अमेरिकन ड्रीम क्या होता है अमेरिका में ऐसे बोला जाता है कि आप मटीरियलिस्टिक uh, अचीवमेंट अमेरिका में किस पे ध्यान दे देते हैं ज्यादा मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट कि आपने कितना अचीव किया है आपका जो सोशल स्टेटस या आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो सारा उसी पे डिपेंड करेगा आपको उतनी हाई क्लास में आप आओगे जितना आप अचीव करोगे ठीक है तो इन्होंने कहा था बेसिकली अमेरिकन ड्रीम क्या होता है फ्रॉम वुड्स टू केबन फ्रॉम लॉग केबन के वुड्स टू व्हाइट हाउस ठीक है ये इन्होंने ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है ये बोला जाता है अब्राहम लिंकन के कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम लॉगवुड्स टू वाइट हाउस ठीक है अब्राहम लिंकन के कि कितना ज्यादा आपके पास सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप एक लॉगवुड केबन हाउस क्या होता है लकड़ी का वो छोटा सा झोंपड़ा वहाँ से आप White हाउस में पहुंच पाओगे कि नहीं ठीक है तो ये उनका होता है गोल अचीव करने का पर क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसा बना है सारे वो अचीव कर पाए नहीं ये बेसिकली डिपेंड करता है फिर आपकी एजुकेशन कितनी होगी वो एजुकेशन डिपेंड करता है पेरेंट्स के इनकम पे ठीक है उसी अकॉर्डिंग आपको वो गोल्स अचीव आप कर पाओ कि नहीं तो अगर आप ये अचीव कर पाते हो वेल एंड गुड पर मोस्टली ऐसा क्या होता है इवन अमेरिकन सोसाइटी में भी ने कहा था लोग वो अचीव नहीं कर पाते जिसकी वजह से एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और एक सिचुएशन ऑफ अनोमी आ जाती है तो ये कुछ नहीं है इनकी स्ट्रेन थे ही है जो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन की थी अमेरिकन ड्रीम को लेके Fine. तो तो अब जहां भी देखो वो वो है 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 है, मर्टन की से, हो गया। अब अगर ऐसी condition आ जाती हमारे हमारे पास है, मीन्स हमारे पास है, तो क्या adaptive responses रहेंगे? वो, उन्होंने फाइव अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हमें दिए थे कि कैसे करके मीन्स uh, पे फोकस करें या गोल्स पे फोकस करें उन कितना कुछ अचीव कर पाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ फाइव अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज इन्होंने दिया था एडेप ठीक है पहले इन्होंने कहा था कन्फर्मेस्ट ये वो लोग हैं जो मीन्स भी फॉलो करते हैं और गोल्स भी अचीव करते हैं जो स्ट्रक्चर के मीन्स जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स है स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स और कल्चरली डिफाइंड गोल्स दोनों अचीव कर पाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल स्टूडेंट हो गया आपका या आप अपनी एग्जाम्पल भी ले सकते हो किसी एग्जाम के जो एस्परेंट हो ठीक है आप आपका जो गोल है वो कल्चरली डिफाइंड है स्टूडेंट बनना और या कोई एक अच्छी रैंक हाई रैंक पोजीशन सोसाइटी की अचीव करना एक कल्चरली डिफाइंड गोल है और उसके लिए आप क्या मींस यूज करते हो कोचिंग जाते हो बुक्स पढ़ते हो या स्कूल स्टूडेंट हो तो स्कूल जाते हो तो इनको हम कन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं फाइन इनोवेटर होते हैं आपके क्रिमिनल्स जिनका गोल क्या है सोसाइटी में एक्चुअली एक अल्टीमेटली फाइनली सबका गोल क्या है पैसे कमाना ठीक है एक ताकि एक बेटर लाइफस्टाइल खुद आ, जी सके और आगे अपनी जनरेशन को भी वो बेटर लाइफ दे सके उसके लिए अब आप क्या मीन्स यूज कर, uh, करते हो आप कोई अच्छी जॉब के लिए ट्राई करते हो कोई एग्जाम में अप्लाई करते हो कोई अपना बिजनेस सेटअप करते हो लेकिन क्रिमिनल्स थीव्स वगैरह डेकोइट्स वो क्या करते हैं वो गलत रास्ता चूज करते हैं दैट मीन्स उनके गोल्स तो कल्चरी डिफाइंड हैं लेकिन उनके जो मीन्स हैं वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है ठीक है वो भी डिवेंट होते हैं वो डिवेंट्स की तरफ जाते हैं वो डेकोइटीज करते हैं रॉबरी करते हैं पैसे कमाने के लिए क्लास लोग जो आपके होते हैं, जो पे इतना करते हैं फॉलो so rule करनी है हमें कहीं अपना उसमें कुछ नहीं करना है ठीक है तो इससे क्या हो जाता है उनके काम में इनफिशेंसी हो जाती है या उनका काम डिले हो जाता है और वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल ये ब्यूरोक्रेट्स इसके साथ उन्होंने एक और टर्म एसोसिएट किया था रेड टेपिज्म क्या होता है Adher करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना ज्यादा कि आप जो है इनफिशियंट डिले हो जाता है काम में फाइन और अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो रिट्रीटर होता है ना उनको गोल्स के साथ कोई लेना देना है ना मींस के साथ फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्स सो अपनी दुनिया में रहते हैं रेवोल्यूशनरीज होते हैं ना वो आपके गोल्स मानते हैं ना वो आपके मीन्स मानते हैं लेकिन उनको कोई गोल जो है अचीव करना होता है सोसाइटी के लिए तो वो अपने नए गोल्स बनाते हैं और उनके लिए नए मीन्स जो है वो डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू रेवोल्यूशनरीज इसमें जैसे महात्मा गांधी की एग्जाम्पल या मार्टिन लूथर की एग्जाम्पल ठीक है इसको भी आप पॉजिटिव लाइट में देख सकते हो दे क्रिएट देयर ओन गोल्स एंड मीन्स अब इनका कहना था मर्टन का पहले रिस्पॉन्स के अलावा बाकी सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एनॉमिक रेस्पॉन्स हैं एनोमिक क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनमें एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी गोल्स और मीन्स में ठीक है ये हो गया आपके फाइव एडेप्टिव रेस्पॉन्सेज आगे देखते हैं रेफरेंस ग्रुप का इन्होंने दिया था रेफरेंस ग्रुप एक्चुअली क्विन किया था हर्बर्ट uh, हाइमन ने और इन्होंने रेफरेंस ग्रुप दी थी वो इंस्पायर्ड थी रिलेटिव डेप्रीवेशन कॉन्सेप्ट की फ्रॉम स्टॉफर जिन्होंने कहा था रिलेटिव डेप्रीवेशन किन में होती है अमेरिकन सोल्जर्स में दो कि वो ऐसे उनकी लाइफ ठीक चल रही होती है लेकिन जब वो रिलेटिवली देखते हैं रिलेटिव जहां भी वर्ड आएगा वहां पे आप देखना कंपैरिजन याद रखना कि जब वो खुद खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है नहीं वो बहुत चीजों से पीछे रह जाते हैं वो बहुत चीजों से डिप्राइव्ड है उनको बहुत चीजें नहीं मिल रही हैं तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था जो मर्टन ने फर्दर इलाबोरेट किया था रेफरेंस ग्रुप का लेकिन कॉइन किसने किया था ये टर्म फर्स्ट टाइम दिया था हर्बर्ट हाइमन ने ठीक है रेफरेंस ग्रुप होता है फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो अगर आप एक आई एस एस्पिरेंट हो तो जो ग्रुप ऑफ आई ऑफिसर हैं ग्रुप ऑफ आई ऑफिसर फॉर अ यूपीएससी एस्परेंट ये इसका एक रेफरेंस ग्रुप होगा जिस ग्रुप की तरह वो बनना चाहेंगे जिस ग्रुप की वो मेंबरशिप सीख करेंगे इसको हम एंटिस एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं एंटिसिपेटरी क्या होता है टाइम से पहले टाइम से पहले वो खुद को सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं इस ग्रुप में कैसे इनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो करके फिर वो ये देखते हैं कि अच्छा ये था तो ये इसका एक स्केड्यूल कैसा था पढ़ाई का इस आई एस ऑफिसर का ये कैसे पढ़ता था किन बुक से पढ़ता था अब खुद को वैसे ही सोशलाइज करने की दैट मीन उनके वैल्यूज एंड नॉर्म्स अंदर इंबाइब करने की कोशिश करते हैं उसको हम एंटिसिपेटरी बोलते हैं टाइम से पहले को किसी एक ग्रुप में एंट्री के लिए सोशलाइज करना ठीक है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहीं कही ना कहीं इसी से रिलेट हो जाती है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करो अगर मैं टीचर हूं ठीक है मैं किसी एक स्टूडेंट की तारीफ करती जाऊं करती जाऊं मैं बोलूंगी तो टॉपर है टॉपर बनेगा टॉपर बनेगा टॉपर बनेगा ठीक है तो वो खुद को टॉपर समझने लगता है फाइन वो खुद को उसी तरीके से प्रिपेयर करना शुरू हो जाता है देखना शुरू हो जाता है उसकी काइंड ऑफ एक सोशलाइजेशन हो रही है कि जो एक टॉपर होता है वो उस खुद को उस तरीके से एक उस रोल में डालने की फिट करने की कोशिश करना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो टॉपर ही बनता है और इसके ऑपोजिट भी देखो अगर आप किसी अच्छे स्टूडेंट को बार बार क्रिटिसाइज करते जाओ कि इससे तो कुछ नहीं होगा तो फालतू तो है कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में वो काफ़ी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो खुद को वैसे ही देखना शुरू हो जाएगा और उसकी अकॉर्डिंग

इन सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो वो उसका स्टेटस है या होगा. अगर मैं तो मेरा क्या फंक्शन है कि मुझे पढ़ाना है उस को हम क्या बोलते हैं रोल जिस स्टेटस के साथ स्टेटस पोजीशन हो गई उस स्टेटस के साथ कोई काम जुड़ा हुआ होगा डॉक्टर है तो डॉक्टर का कोई काम है करने के लिए उस काम को हम क्या बोलेंगे उस डॉक्टर का क्या रोल है ठीक है इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं चीज़ मुझे इरिटेट करती रहती है एक मिनट तो वो उसको हम क्या बोलते हैं रोल अब रोल सेट क्या होता है एक स्टेटस के साथ कितने सारे रोल्स जुड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल रोल सेट की एग्जाम्पल लो आप एक डॉक्टर है ठीक है उसके साथ कितने सारे रोल जुड़े हुए हैं कहीं पे वो एक प्रोफेसर भी है क्योंकि इनको लेक्चर वगैरह देने भी जाना होता है ठीक है कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर डिलीवर करने जाते हैं कहीं पे सर्जन होगा तो सर्जरी परफॉर्म कर रहा होगा कहीं पे सीनियर होंगे डॉक्टर ठीक है कहीं पे अपने सीनियर डॉक्टर्स के जूनियर होंगे फाइन तो एक स्टेटस के साथ स्टेटस पोजिशन एक ही है आप डॉक्टर हो लेकिन उसके साथ आपको मल्टीपल रोल्स मिलेंगे मल्टीपल रोल्स तो उसको हम बोलते हैं रोल सेट ठीक है अब स्टेटस सेट क्या हुआ इसी डॉक्टर की बात करते हैं मिस्टर एक्स जो है मिस्टर एक्स वो डॉक्टर है ठीक है लेकिन वो डॉक्टर के साथ साथ एक ऑथर भी है एक प्रोफेसर भी है एक रिसर्चर भी है एक सन भी है स्पाउस भी है ठीक है सिबलिंग भी है समझ रहे हो ये सारी क्या है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं जो मिस्टर एक्स के साथ एसोसिएटेड है तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं स्टेटस सेट समझ गए डॉक्टर है ऑथर है कि वो सब डॉक्टर ही नहीं है ना अगर मैं टीचर हूँ तो मैं एक टीचर ही नहीं हूँ मेरे साथ और लाइफ में और और चीज़ें जो हैं और पोजीशंस हैं जो मैं होल्ड करती हूँ कहीं पे बेटी हूँ बहन हूँ ठीक है ये सारी चीज़ें या आप हो आप स्टूडेंट हो आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो आप किसी के बेटे हो किसी के भाई भी हो फाइन किसी के फ्रेंड भी हो तो अलग अलग स्टेटस जो हम होल्ड करते हैं उनको स्टेटस सेट बोलते हैं और एक स्टेटस के साथ कितने सारे रोल जुड़े हुए होते हैं उनको हम रोल सेट बोलते हैं और एक टर्म इनके साथ जुड़ा हुआ है ये हुआ आपका स्टेटस सेट ये हुआ आपका रोल सेट एक मिनट हमें कलर चेंज कर देते हैं इसका स्टेटस सीक्वेंस स्टेटस सीक्वेंस होता है एक इंडिविजुअल का स्टेटस जो है है वो कैसे चेंज होता थ्रू आउट लाइफ इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब आप पैदा होते हो आप सन होते हो ठीक है फिर आप सिबलिंग बन जाते हो फिर आप स्पाउस बनते हो फिर आप फादर बनते हो फिर आप ग्रैंडफादर बनते हो तो ये सारे जो इंडिविजुअल स्टेटस आप होल्ड करते जाते हो जो एक सीक्वेंस में चलते हैं उसको हम स्टेटस सीक्वेंस बोलते हैं इनका थर्ड कॉन्सेप्ट और एक था मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था सिक रोल ठीक है सिक रोल पार्सन के persons से पार्सन से रिलेटेड है यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना ठीक है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे इनका क्रोस फ्रेमवर्क क्रोस फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली इन्होंने कहा था कोई आपकी जो भी साइंटिफिक रिसर्च है साइंटिफिक कम्युनिटी जो कोई रिसर्च करती है उसके लिए कुछ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके अंडर है कि उनको वो अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है तो उसको उन्होंने दिया था इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी की कैसे उनको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए उसको उन्होंने दिया था इन द फॉर्म ऑफ क्रोस फ्रेमवर्क तो सी से इसमें आता है आपका कम्युनिज्म या कम्यूनलिटी भी इसको बोलते हैं इसका मतलब है जो भी आपकी नॉलेज है वैल्यू जो भी आप गेन करते हो अपनी रिसर्च में इट शुड बी आपको अपने तक ही नहीं रखनी है वो आपको शेयर करनी है ठीक है कम्युनिज्म जैसे हम कम्युनल ओनरशिप बोलते हैं ना चीजों की कि वो जो वैल्यू नॉलेज आपने गेन की वो सबके पास होनी चाहिए वो आपको सबको सब में बांटनी है सेकेंड इज यूनिवर्सलिज्म कि अगर आप किसी रिसर्च को जज करते हो उसका कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया होना चाहिए जो यूज जो आउट हर किसी को यूज करना है अपनी रिसर्च को जज करने के लिए आपको कोई रिसर्च को देखने के लिए आपको रिसर्चर को नहीं देखना है आपको रिसर्चर पे फोकस नहीं करना है कि रिसर्चर का क्या बैकग्राउंड है आपको रिसर्च पे फोकस करना है और उस रिसर्च के लिए कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया होना चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए उसको जज करने के लिए ना कि आपको रिसर्चर पे देखना अच्छा रिसर्चर ने फॉलोइंग रिसर्च दी थी वो सक्सेसफुल थी थी तो ये भी होगी या ये रिसर्चर इस बैकग्राउंड का है तो ये इसकी जो रिसर्च है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको रिसर्च पे फोकस करना है थ्रू सम यूनिवर्सल क्राइटेरिया थर्ड इज योर डिसइंटरेस्टेडनेस दिस इंटरेस्टिडनेस interest कि आपका कोई जो रिसर्चर है उसका पर्सनल बायस या वैल्यू जजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए पर्सनल बायस शुड नॉट बी देयर फोर्थ इज योर ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म ऑर्गेनाइज्ड कैप्टिसिज इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो भी रिसर्च करो चाहे आपकी खुद की रिसर्च हो किसी और की रिसर्च हो आपको उसकी एक स्क्रूटिनी करनी है मीन काफी अच्छे से क्रूशल लेवल पे आपको उसको स्क्रूटिनाइज करना है ठीक है आपकी उसकी स्ट्रॉन्ग इवेलुएशन आपको करनी है उस रिसर्च की कि आपको क्वेश्चनिंग करनी है रिसर्च की चाहे वो आपकी रिसर्च है दूसरे की रिसर्च हो ऐसा नहीं रिसर्च आपके सामने है या आपने खुद रिसर्च की तो आपने उसको फाइनल समझा आपको उसको अच्छे से क्रिटिकली इवेलुएट करना है आपको उस रिसर्च को अच्छे से स्क्रूटेनाइज करना है ठीक है ये था इनका क्रोज फ्रेमवर्क ये जो नॉर्म्स थे ये इंट्रोड्यूस हुए थे मर्टन के नाइनटीन पेपर में अ नोट ऑन साइंस एंड डेमोक्रेसी ठीक है आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया ये हो गया हुँ. इनका जो मेथड इन्हें यूज़ किया था मोस्टली फोकस ग्रुप डिस्कशन था जो रिसर्च मेथडोलॉजी और कंटेंट एनालिसिस था uh, हम ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च मेथडोलॉजी में इन डिटेल पढ़नी है सारे जो मेथड्स यूज़ होते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन ये आपका सिंपल जो ग्रुप डिस्कशन है वो तरीके का रिसर्च मैथडोलॉजी है कंटेंट एनालिसिस है जिसमें ऑलरेडी कोई कंटेंट बना हुआ होता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप उनको फर्दर एनालाइज करते हो ये हम इन डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें हमें रिसर्च मैथोलॉजी डिस्कस करना है और रेड टेपिज्म की हमने बात की थी uh, ये मैंने आपको बताया था एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड है ब्यूरोक्रेटाइजेशन ठीक है आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क इनके जो आपको याद रखने हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड इनॉमी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर सोशोलॉजी ऑफ साइंस ठीक है इसी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस में ये कुडोस फ्रेमवर्क जो है इन्होंने एक्सप्लेन करा था कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर रेफरेंस ग्रुप आपको पता है असली किसका था हर्बर्ट हाइमन का फोकस्ड इंटरव्यू रोल सेट प्योरा पाइटिज्म एंड साइंस क्रिमिनोलॉजी ट्रेवल्स एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी मास पर्सुएशन द सोशल साइकोलॉजी ऑफ ए वॉर वॉरबॉन्न ड्राइव ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स वैराइटीज ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन द स्टूडेंट फिजिशियन फ्रीडम टू रीड इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं तो दिस कंप्लीट्स योर मर्टन नेक्स्ट में हम देखेंगे हमें कौन सा थिंकर स्टार्ट करना है तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो बाई टेक हैव है ग्रेट डे